नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। मैं रहूं या न रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये लाइन सुनकर कुछ याद आया आपको? ये लाइन किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अटल बिहारी का जिक्र क्यों कर रही हूँ, ये आपको बताऊंगी आगे की खबर में। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे जानदार कलाकार पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी को आप सब जानते ही होंगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग पसंद ना हो। वो हमेशा ही किसी न किसी अलग किरदार से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। अब एक बार फिर एक्टर एक धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टाइटल है मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने अटल बिहारी का जिक्र क्यों किया है। इससे आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित है। बता दें कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बायोपिक है। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये सपना था, जिसे इंडस्ट्री ने बड़े पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी ली है। दरअसल डायरेक्टर रवि जाधव जल्द ही उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर आधारित ये फिल्म बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी के निजी और राजनीतिक जिंदगी को दिखाएगी। अटल बिहारी भारतीय राजनीति के उन नायकों में शामिल थे जिन्होंने बड़े स्तर पर देश की सियासत को प्रभावित किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी हाजिर जवाबी और बोलने के अंदाज के उनके दोस्त ही नहीं बल्कि उनके विपक्षी भी कायल थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बायोपिक में उनकी भूमिका बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी निभाने वाले हैं। उनके इस किरदार को देखने के लिए भी फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। अगर बात करें पंकज त्रिपाठी के वर्कफ्रंट की, तो पंकज ने अपनी शानदार एक्टिंग की हर किसी का दिल जीत लिया है। उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्रिमिनल जस्टिस मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज के अलावा मसान, कागज, मिमी जैसी कई फिल्में लोगों के जहन में बरकरार है। एक्टर इन दिनों कई फिल्में और वेब सीरीज में लगातार बिजी है। आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।